ओम शांति। आज की तारीख है 24/7/24 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा। कहते हैं मीठे बच्चे बाप से होलसेल व्यापार करना सीखो। होलसेल व्यापार है मन मना भव, अलफ को याद करना और कराना, बाकी सब है रिटेल। प्रश्न है, बाप अपने घर में किन बच्चों की वेलकम करेंगे? उत्तर है, जो बच्चे अच्छी रीति बाप की मत पर चलते हैं और कोई को भी याद नहीं करते हैं, दे सहित दे के सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ एक बाप की याद में रहते हैं, ऐसे बच्चों को बाप अपने घर में क्या करते हैं? रिसीव करते हैं, सामने से उनका स्वागत करते। बाप भी बच्चों को गुलगुल बनाते यानी फूल बनाते, फिर फूल बच्चों के अपने घर में वेलकम करते। धारणा के लिए मुख्य सार के दो मधुर महावाक्य। नंबर एक, जैसे बाप बच्चों पर वारी जाते हैं ऐसे तन मन धन सहित एक बाप पर कुर्बान जाकर 21 जन्मों का वर्षा लेना है। नंबर दो, बाप जो अविनाशी अनमोल खजाना देते हैं उसमें अपनी झोली सदा भरपूर रखनी है। सदा इस ही खुशी व नशे में रहना है कि हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। वरदान शिव पिता परमात्मा का ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनालिटी का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि ब्राह्मण बने अहो भाग्य, लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा प्रॉपर्टी संतुष्टता है और ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी प्रसन्नता है। इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना। अधिकारी हो जब दाता वरदाता खुले दिल से प्राप्तियों के खजाने दे रहे हैं तो उसे अनुभव में लाओ और औरों को भी अनुभवी बनाओ, तब कहेंगे विशेष आत्मा। स्लोगन है, लास्ट समय का सोचने के बजाय लास्ट स्थिति का सोचो। समय से भी ज्यादा हमारी स्थिति क्या होगी, कैसी होगी वो सोचो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।